देखो एक नेटवर्किंग से एक ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है इसको एकदम इस साल के लिए वी वी आई मान के चलना ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है नेटवर्किंग में बोला जाता है कि जैसे हर क्वेश्चन जो एक डिज़ाइन करने का एक तरीका होता है ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जैसे जिसके पास नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वही इस क्वेश्चन को सही कर लेगा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है फोर मार्क्स में ठीक है देखते हैं ये एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होता है मतलब कि आपको सोचना है एज ए नेटवर्क इंजीनियर कोई आपको एक काम दे दिया गया एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए दे दिया गया और आपसे बोला गया कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए अब आपके पास सिनारियो क्या है देखते हैं हम लोग द ग्रेट ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द ग्रेट ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेटअप इट्स न्यू ब्रांच एट श्रीनगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नया ब्रांच श्रीनगर पर सेटअप करना चाह रहा है फॉर इट्स ऑफिस अपने ऑफिस के लिए एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज़ यानी कि इंटरनेट के थ्रू भी इसका कुछ काम होगा इट हैज़ फोर विंग्स ऑफ बिल्डिंग एज सोन इन द डाइग्राम इसके पास चार बिल्डिंग है ठीक है क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ग्रेट ब्रेन है जो कि एक श्रीनगर में एक ब्रांच सेटअप कर रहा है अपने ऑफिस के लिए जिसमें वेब बेस्ड एक्टिविटी भी होगा इसके पास चार बिल्डिंग्स हैं पहला बिल्डिंग का नाम विंग एक्स जेड वाई यू ये करके चार बिल्डिंग ये सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा ये क्वेश्चन है ठीक है मे बी सेम क्वेश्चन भी आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है एक बार अच्छे से देख लेना स्पेशली बोर्ड के लिए ठीक है सी बेसिक के लिए भी हो जाएगा लेकिन ये जैकबोर्ड के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए क्योंकि ये कोविड में नहीं पूछा था दो साल से क्लियर है तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये इस टाइप का ना ये फोर मार्क्स में ना सेम क्वेश्चन पूछता है देखोगे कि एक ये आ गया तो समझो कि सारा का सारा क्वेश्चन तुमको आ गया थोड़ा सा चेंजेस है अभी करा देते हैं चार विंग आ गया ये क्वेश्चन दिया रहेगा ये क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे लास्ट पेज पर ये क्वेश्चन आता है लगभग में क्वेश्चन नंबर बाईस या तेईस में आता है अब देखो अब ये चार बिल्डिंग शो कर दिया अब क्या लिखा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बिटवीन वेरियस ब्लॉक ये ब्लॉक है ना एक्स वाई जेड यू तो ये ब्लॉक के बीच में क्या कर रहा है ये क्या है ये डिस्टेंस है डिस्टेंस तो विंग एक्स से विंग जेड का विंग एक्स से विंग जेड का डिस्टेंस कितना फिफ्टी मीटर विंग जेड से विंग वाई जेड से वाई का विंग कितना हो गया सेवेंटी मीटर विंग वाई टू विंग एक्स वाई से एक्स का वन ट्वेंटी फाइव मीटर वाई टू विंग यू एट्टी मीटर एक्स टू विंग या वन सेवेंटी मीटर जेड टू विंग यू नाइनटी मीटर आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा होगा दूसरा फिर क्वेश्चन देगा दिया रहेगा ये क्वेश्चन दिया रहेगा सोचना नहीं है कि ये कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन में रहेगा विंग नंबर ऑफ कंप्यूटर विंग एक्स में कितना कंप्यूटर है फिफ्टी विंग जेड में कितना कंप्यूटर है थर्टी विंग वाई में कितना कंप्यूटर है वन फिफ्टी विंग यू में कितना कंप्यूटर है फिफ्टीन ठीक है क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ठीक है पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द विंग्स एंड टोपोलॉजी ठीक है मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट केबल लेआउट मतलब कि ये जो है विंग में मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट कैसा होगा कि जो कि ऑटोपोलॉजी कौन सा होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है केबल मतलब कि चारों विंग को जोड़ना है आपस में ताकि नेटवर्किंग में आ जाए तो ऐसे जो, देख लो तो दिमाग क्या लगाना है कि कितना कम में आ रहा है ठीक है अभी क्वेश्चन देख लो अच्छे से पहला क्वेश्चन सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द विंग्स एंड टोपोलॉजी टोपोलॉजी के बारे में तुरंत अभी एक वीडियो डाल रहे हैं टोपोलॉजी क्या होता है वे ऑफ नेटवर्किंग वे ऑफ फिजिकल कनेक्शन टोपोलॉजी क्या होता है फिजिकल कनेक्शन ठीक है टोपोलॉजी कितना होता है बस टोपोलॉजी जो तुम लोगों को आएगा बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी और टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी इतना ही आएगा तुम लोग को ट्वेल्थ क्लास में टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी ठीक है देखते हैं हम लोग आगे टोपोलॉजी का जाएगा तो अभी ये ये क्वेश्चन देखते हैं फोर मार्क्स का पहला क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल केबल है और दूसरा सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज विंग दैट इज विंग टू हाउस द सर्वर क्या बनाने के लिए सर्वर बनाने के लिए ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विथ अटेबल रीजन विथ जस्टिफिकेशन मतलब कौन सा विंग में सर्वर बनेगा ठीक है ये क्वेश्चन दिख गया ये क्वेश्चन दिखा फिर देखो तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस विथ जस्टिफिकेशन कौन कौन सा डिवाइस रिपीटर और दूसरा हब और स्विच ठीक है और चौथा क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली विथ द ऑफिस एट श्रीनगर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लानिंग कर, कर रहा है लिंक लिंक जोड़ने का कोशिश कर रहा है हेड ऑफिस जो कि कहाँ है दिल्ली में विथ द श्रीनगर विथ द ऑफिस एट श्रीनगर जो श्रीनगर में जो ऑफिस था उसको और दिल्ली वाला को दोनों को जोड़ने सोच रहा है सजेस्ट एन इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट द कंपनी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द स्पीड ऑफ कनेक्टिविटी जस्टिफाई योर आंसर मतलब इकोनॉमिक वे मतलब इकोनॉमिक क्या बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मतलब सस्ता मतलब काम चलाऊँ इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट द कंपनी इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है बहुत ज़्यादा इसको फास्ट स्पीड इंटरनेट का नहीं चाहिए ऑन द स्पीड ऑफ कनेक्टिविटी क्लियर है चार क्वेश्चन चलो अब चार क्वेश्चन का अब हम लोग आंसर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द विंग अब देखो अब कनेक्शन क्या है तो करना क्या है सजेस्ट करना है तो यहां पर कौन सा रहेगा कि बस टोपोलॉजी यूज होगा जो कि सीधा सीधी रहता है तो विंग एक्स यहां से कितना मीटर था एक्स से जेड पचास मीटर जेड टू वाई कितना था जेड टू वाई देख लो यहां पर देख लो कोशिश करना है कि कम से कम तार लगे एक्स टू जेड एक्स टू जेड कितना लगा पचास मीटर थोड़ा तार को कम लगाना है बस यही नेटवर्क इंजीनियर क्या सोचेगा तार को वायर कम लगे उसका कम पैसा खर्च हो ठीक है अब जेड टू वाई जा रहा है अब देख लो कौन सा और कम जा रहा है देख लो जेड टू वाई जा रहा है सजेस्ट करना है तुम भी डायग्राम ऐसे ही बना देना और ऐसे तार को लगा देना पहला का आंसर हो जाएगा जेड टू विंग वाई देख लो तो कितना है सत्तर मीटर है फिर वाई टू यू कितना है वाई टू यू अस्सी मीटर है तो क्या हो गया इतना तार में काम हो गया ना बड़ा वाला जो एक सौ पचहत्तर मीटर है एक सौ पच्चीस मीटर है उसको लेने का तो क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है तो क्या हो गया एक सजेशन दे दिए तो कम तार लगा इतना तार में कम हो गया चलो एक हो गया सजेशन पहला का आंसर हो गया एक सजेशन दे दिया ना कि ये अब चारों विंग क्या है आपस में जुड़ गया अब नेटवर्किंग में आ गया इसके पास भेजो तो इसके साथ जुड़ गया ये इसके साथ जुड़ गया इसके साथ जुड़ गया हम लोग विंग जो है हम लोग विंग एक्स टू यू को एक्स टू यू को नहीं जोड़ें क्यों क्योंकि ये एक सौ पचहत्तर मीटर था कोई जरूरत नहीं था ठीक है तो हम लोग क्या सोचे जो सबसे मिनिमम वायर लगे उसको सोच लेना है क्लियर है चलो पहला का आंसर समझ में आया तो एक लाइन में जो रहता है उसको हम लोग बस टोपोलॉजी बोलते हैं तो टोपोलॉजी कौन सा लगा बस टोपोलॉजी और ऐसे जोड़ दिए कभी कभी नहीं पूछेगा टोपोलॉजी डायरेक्ट पूछेगा सजेस्ट द केबल लेआउट तो सजेस्ट द केबल लेआउट में बस देखना कि सबसे कम कहाँ किस किस के साथ है उसके साथ जोड़ देना दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन क्या था दूसरा क्वेश्चन क्या था सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज विंग टू हाउस द सर्वर सर्वर सीधा आंख बंद करना देखना कि किस वाले विंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है किसमें है विंग वाई में विंग वाई में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है एक सौ पचास तो जो सर्वर बनेगा सीधा विंग वाई में बनेगा यही ट्रिक समझ लो जिस विंग में जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर रहेगा उसी में सर्वर बनेगा द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर इज विंग वाई एज़ इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर दस केबलिंग कोस्ट विल भी रिड्यूस एंड मोस्ट ट्रैफिक विल भी लोकल सही सी बात है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है तो वहाँ पर तार भी कम लगेगा वायर भी वायर भी कम लग ही रहा है तो वायर कम लग रहा है तो कोस्ट भी रिड्यूस हो रहा है कोस्ट रिड्यूस हो रहा है तो काम चल रहा है फिर जितना कम समय रहेगा तो ट्रैफिक भी नहीं हो पाएगा ट्रैफिक का मतलब क्या हो जाता है नेटवर्क ट्रैफिक क्लियर है तो ज्यादा नहीं सोचने का बस जिस जिस विंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है उसी में सर्वर बनाने का थर्ड अब थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन पूछा है थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन रिपीटर रिपीटर क्या होता है रिपीटर क्या होता है रिपीटर क्या होता है कि जब भी सत्तर मीटर से ज़्यादा अगर केबल हो जाता है सत्तर अस्सी मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें रिपीटर लगाते हैं ताकि जैसे रिपीटर का, का काम क्या है ना देख लो यहाँ पर कि अगर डेटा कंप्यूटर यहाँ है और यहाँ है ये यह हो गया सेंडर ये हो गया रिसीवर तो नॉर्मल अगर डेटा हम लोग को यहाँ से यहाँ भेजना है तो कोई डेटा भेजते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना धीरे धीरे डेटा डिग्रेड हो जाता है एक निश्चित टाइम आने के बाद में तो रिपीटर क्या करता है बीच में लगा दिया जाता है नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर तो ये डेटा जो फ्रेश आ रहा है इसको एम्प्लीफाई करता है और इसको फिर से फ्रेश डेटा यहाँ पहुँचा देता है तो सिग्नल का लॉस नहीं होता है तो इसलिए सिग्नल को बचाने के लिए रिपीटर का यूज़ होता है तो रिपीटर के हेल्प से यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डेटा पहुँच जाता है क्लियर है तो नॉर्मल अस्सी नब्बे मीटर के रेंज में लगाया जाता है सत्तर मीटर के बाद भी लगा दिया सकता है तो ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है इस वजह से यहाँ दिया हुआ है अगर यहीं पर रहता कि बड़ा अगर रहता मान के चलो कि यही चीज़ अगर नब्बे रह जाता नब्बे में तो चलो एक लगा दिए यहाँ पर एक सौ नब्बे रहता तो यहाँ पर एक रिपीटर लग जाता तो लेकिन यहाँ सब तो छोटा छोटा वायर है अगर किसी के वायर में यहाँ सत्तर की जगह एक सौ सत्तर हो जाएगा ना तो एक रिपीटर यहाँ लगा देना लेकिन इस केस में इस सजेशन में इस सजेशन में रिपीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिया है एज़ पर सजेस्टेड लेआउट सेपरेट रिपीटर नॉट नीड टू बी इंस्टॉल्ड एज इच बिल्डिंग विंग विल बी हैविंग हब एंड टास्क एट एक्ट एज ए रिपीटर चलो अब यहाँ रिपीटर नहीं लग रहा है अब हब हाँ और स्विच तो हब हाँ और स्विच क्या काम करता है हब हाँ क्या करता है देखो हब हाँ क्या करता है हब हाँ क्या है एक नेटवर्क डिवाइस है यही चीज़ नॉलेज पूछता है कि आपके पास हब हाँ का नॉलेज होगा तभी ना हब हाँ लगाइए लगाइएगा रिपीटर का न्यूज़ होता है तब तो समझिएगा कि हाँ अस्सी नब्बे मीटर के बाद बीच में लगा देते हैं तो मान लो एक है तो अगर सत्तर मीटर के बीच में लगा दिए तो एक सौ चालीस के बीच तो रिपीटर अच्छा हो जाता है तो हब नेटवर्क डिवाइस है विच आर कनेक्ट टू सेवरल कंप्यूटर टुगेदर सेवरल कंप्यूटर टुगेदर हब यहाँ पर लग जाता है हब हो गया ये तो हब में बहुत सारा कंप्यूटर अटैच हो जाता है तो अब देखो विंग एक्स में भी कंप्यूटर है जितना भी विंग है सब में कंप्यूटर है ना भले कम है फिफ्टी है थर्टी है वन फिफ्टी है 50 है तो सारे विंग में तो है ना कंप्यूटर तो सारे विंग में हब लग जाएगा बस ऐसे ही लिख देना हब, क्योंकि हब क्या करेगा कंप्यूटर को ऐड करेगा तो सब विंग में कंप्यूटर है तो हर कंप्यूटर में चल जाएगा ठीक है क्लियर है तो इस सिचुएशन में काम हो जाएगा क्लियर हुआ चलो अब क्या बोल रहा है चौथा क्वेश्चन समझ में आया एन इकोनॉमिक वे ऑफ कनेक्टिंग चौथा क्वेश्चन क्या था दौर गए प्लान की सिचुएशन न्यू दिल्ली क्या करना है जोड़ना था इंटरनेट जोड़ना था तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या है देख लो एन इकोनॉमिक वे ऑफ कनेक्टिंग इज डायलप और ब्रॉडबैंड एज इट कैन कनेक्ट टू कंप्यूटर एंड एन इलेक्ट्रो क्या है इकोनॉमिक रेट थ्रू इट प्रोवाइड लेसर स्पीड एंड अदर एक्सपेंसिव मैथड छोटा लेसर स्पीड है स्पीड कम है लेकिन सस्ता है डायलप या ब्रॉडबैंड लगा देगा तो ये कम हो जाएगा अगर स्पीड का कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या सीधा लगा देंगे हम लोग सीधा रेडियो वेव माइक्रोवेव में चले जाएंगे रेडियो वेव में चले जाएंगे सबसे स्पीड में अगर कोई इसको दिक्कत नहीं है पैसा का तो ठीक है अगर इकोनॉमिक वेब बोला तो डायलप या ब्रॉडबैंड दे दो अगर बोलेगा कि रे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है तो रेडियो वेव लगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायलप की जगह रेडियो वेव अगर बोलेगा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो रेडियो वेव कॉम्प्रोमाइज़ करना है स्पीड के साथ में तो डायलप या ब्रॉडबैंड आई होप ये फोर नंबर का क्वेश्चन सबसे क्लियर हो गया नेटवर्किंग के लिए ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन देगा फिर से बता दे रहे हैं द दे ऑर्गेनाइजेशन दे देगा ये क्वेश्चन का हिस्सा है ये विंग का मीटर कितना है इसमें कंप्यूटर ये क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन दे, दे देगा आंसर तुम्हारा ये है सजेस्ट कर देना लेआउट का सर्वर किस में बनेगा जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होगा उसी में सर्वर बनेगा बिल्डिंग के हर बिल्डिंग में हब लगेगा हर बिल्डिंग में हब जहाँ जहाँ कंप्यूटर रहेगा वहाँ वहाँ हब लगेगा इकोनॉमिक वे चाहिए तो डायलप या ब्रॉडबैंड कम डायल्प या ब्रॉडबैंड लगा देंगे डायलप या ब्रॉडबैंड अगर इकोनॉमिक वे चाहिए तब अगर इकोनॉमिक वे नहीं चाहिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए स्पीड से फर्स्ट क्लास ज़्यादा स्पीड चाहिए तो वहाँ पर उसको रेडियो वेब को सजेस्ट कर दो आई होप ये फोर मार्क्स का क्लियर हो गया होगा चलो थैंक यू